नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्राणेश टेक टू डीप के आज के फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। लेके आया हूं आज भी आपके लिए मसालेदार, चटपटी, खौलती हुई, उबलती हुई टेक न्यूज। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Xiaomi का जो Mi 10 है उसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट इंडिया की कंफर्म हो गई है, जो कि है 8 मई। इतना ही नहीं, कंपनी सिर्फ Mi 10 ही लॉन्च नहीं करेगी, उसके साथ साथ अपने बाकी कुछ प्रोडक्ट्स को भी वो लॉन्च करने जा रही है, जैसे कि Mi AirDots Pro 2S भी लॉन्च होंगे। ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं। जो दोस्त लोग मेरे नहीं जानते कि ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स क्या होते हैं, ये वो ब्लूटूथ ईयरफोन्स होते हैं जो अपने दोनों कान में लग जाते हैं, इनमें वायर बिल्कुल भी नहीं होती है, ट्रूली वायरलेस होते हैं, इसलिए इनका नाम ट्रू वायरलेस है, इनमें वायर जरा सी भी नहीं होती है। और दूसरा जो प्रोडक्ट वो लोग लॉन्च करने जा रहे हैं वो है, या तो हो सकता है Mi TV स्टिक, या फिर वो हो सकता है Mi Android TV बॉक्स। ये क्या करेगा, आपकी जो नॉन स्मार्ट टीवी है घर पे, उसको ये स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर देगा। अब या तो वो स्टिक भी हो सकती है, एक स्टिक भी जो होती है वो भी यही काम करती है, जैसे गूगल का क्रोमकास्ट वगैरह आता है, अमेजोन फायर स्टिक आती है, या तो वो ऐसी स्टिक होने वाली है, या फिर एक स्क्वायर शेप का एक बॉक्स आता है जिसके अंदर प्री इनबिल्ट एंड्रॉयड रहता है, और उसके अंदर 1 GB रैम, 2 GB रैम या इंटरनल मेमोरी रहती है, 8 GB, 16 GB, और उसको आप अपनी नॉन स्मार्ट टीवी में कनेक्ट करेंगे HDMI केबल के थ्रू, तो वो उस नॉन स्मार्ट टीवी को स्मार्ट टीवी बना देता है। वैसे Mi 10 के कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दूं, इसका सबसे बड़ा जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि इसके अंदर है 108 मेगापिक्सल का कैमरा। मुझे लगता है ये इंडिया का पहला फ़ोन होगा जिसके अंदर आपको ऑफिशियली 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। और बाकी जो स्पेसिफिकेशंस है उसमें हमें जो पता पड़ा है वो है 6.67 इंच की 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाली सुपर अमोलेड डिस्प्ले आपको उसमें देखने को मिलेगी, और उसमें भी मेरे ख्याल से दो ग्लोबली जो है 3 वेरिएंट में आता है, 6 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल मेमोरी, 8 GB रैम के साथ 256 GB इंटरनल मेमोरी, और 12 GB रैम के साथ 256 GB इंटरनल मेमोरी, 4780 mAh की बैटरी आपको उसमें देखने को मिलेगी, जिसके साथ आपको 30W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो अभी हमें इसकी पता पड़ी है, और बाकी तो लॉन्च डेट 8 मई को ही सही हमें पता पड़ जाएगा। वैसे एक बात और बता दूं, Xiaomi ने एक चीज़ जो रिवील कर दी है कि जो लोग इस फ़ोन को प्री ऑर्डर करेंगे उनको वो 2500 रुपये का MI वायरलेस पावर बैंक देंगे साथ में फ्री। मतलब जो लोग इस फ़ोन को प्री ऑर्डर करेंगे उनको 2500 का Mi जो पावर बैंक आता है वायरलेस, जो अपने डिवाइस को वायरलेस चार्ज करता है, वो उनको फ्री मिलेगा। और अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो भी पोको की है, तो पोको की न्यूज़ जब भी आए मेरे वीडियो में प्लीज़ लाइक ठोक दिया करो। तो पोको F2 Pro, इसकी भी लॉन्च डेट अनाउंस हो गई है ऑफिशियली, ये 12 मई के दिन मैड्रिड स्पेन में दिन को 2 बजे लॉन्च होगा। मतलब इंडियन टाइम जो उस वक्त हो रहा होगा, तकरीबन इंडियन टाइम जो होगा वो शाम को 5:30-6 बजे के आसपास ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। और एक और चीज़ पोको की सामने आ रही है, पोको का M2 Pro, ये जो इंडिया की वेबसाइट है उसमें से कुछ लिस्ट निकल के सामने आई है, मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा लिस्ट के स्क्रीन पे, आप देख के बताइए, मुझे कमेंट कीजिएगा। वैसे ये सही है, लगभग 90% कन्फर्म है। एक मॉडल है पोको का MI का, इसका मॉडल नंबर है M2003J6CI, ये कन्फर्म हो गया है, ये पोको M2 Pro है, और बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होगा। इसकी एक डिटेल और मालूम पड़ी है, हो सकता है ये फ़ोन स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो। मुझे लग रहा है ये जो कुछ दिन पहले Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max लॉन्च हुए थे, इसकी लुकिंग बिल्कुल वैसी है, पंचोल वाला कैमरा दिख रहा है बीच में। लेकिन अगर फ्रेंड्स, क्या ये आपको अच्छा लगेगा कि Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max जो है, इन दोनों में से कोई फ़ोन रीब्रांड होकर के Poco M2 Pro लॉन्च हो? और Poco M2 Pro के बारे में तो लॉन्च क्या पता चल चुका है, Poco M2 का क्या है कोई सीन पता नहीं है, Poco M1 कहाँ गया नहीं पता है, जिस प्रकार से कंपनी ने डायरेक्ट Poco X2 लॉन्च किया था, Poco X1 कहाँ गया पता नहीं है। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है, 8 मई को हमें एटलीस्ट Mi 10 के बारे में पता पड़ जाएगा, और हो सकता है उसके बाद अपकमिंग डेज में हमें Poco F2 या Poco M2 Pro के बारे में भी कुछ सुनने को मिले। जब Xiaomi की, Poco की इतनी सारी खबरें निकल के आ रही है, इतनी सारी न्यूज़ लीक्स रूमर्स सब आ रहे हैं, तो Realme कैसे पीछे रहे फिर से। Realme हमेशा MI को फॉलो ही करता है। तो Realme के जो दो मॉडल आज के कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, EEC सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो गए थे, जिनके मॉडल नेम है RMX 2052 और RMX 2141, इन दोनों में से कोई एक मॉडल या दोनों ही हो सकता है ये X50 यूथ एडिशन के नाम से लॉन्च हो सकते हैं। अब कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं, वैसे लगभग फ़ोन के दोनों मॉडल्स के जो स्पेसिफिकेशन है लगभग सारे सेम है,
दोनों में 4100 एमएच की बैटरी है, दोनों में ही 6.67 की इंच की एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली एलसीडी स्क्रीन है वगैरह वगैरह, जो बाकी स्पेशल मैंने आपको पहले पुराने टेक न्यूज़ में बताई थी। और एक चीज़ और कंफर्म हो गई है, रियलमी की जो नार्जो सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाली है उसका एक मॉडल है रियलमी नार्जो 10। इसके अंदर एक कंफर्म हो गया ऑफिशियली, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक का हीलियो G80 वाले प्रोसेसर। अच्छा प्रोसेसर है वैसे, फास्ट प्रोसेसर है। और जहां मीडियाटेक की हम बात कर रहे हैं, मीडियाटेक ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि हम लोग बहुत जल्द हमारा G85 वाला प्रोसेसर लॉन्च करेंगे जो कि G80 का सक्सेसर होगा। और ये काफ़ी पावर एफिशिएंट और काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर रहेगा, स्पेशली गेमर्स के लिए और गेमिंग के लिए। तो क्या आप एक्साइटेड है ऐसे फोन्स के लिए जिनमें मीडियाटेक का G80 या G85 वाला प्रोसेसर हमें देखने को मिले, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वैसे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।